पीछे आप देख सकते हो कि घास तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, अब उठाते हैं घास। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सभी के? आई होप कि सब बड़े हो गए, तो कमेंट में जरूर बता देना। बड़े दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे को। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर को, अपने घर से बहुत ऊपर। मैं इधर घास ले जाने के लिए, मेरे को बोला घास ले जाने के लिए, तो इधर से ले जाते हैं घास। आपको बताते हैं आगे जैसे रखा, थोड़ा बताता हूँ, एक मिनट। ये रहा कत ही भयंकर वाला, ओ भाई भयंकर वाला रास्ता, बोलते बोलते गिर गया था। और ये रहा घास, ये मेरे को ले जाना है। बाकी ये जय माता दी, इसको और दिन ले जाएंगे, कोई सीन नहीं। पीछे आप देख सकते हो कि घास तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, अब उठाते हैं घास और इधर से निकलते हैं सीधा घर को, और घर से उठाते हैं बैग और निकलते हैं दुकान। सो गाइस, घर तक पहुंच चुके हैं, इधर का घास का गड्डी, गड्डी बोलते हैं पता नहीं भाई, और इधर मेरा दुकान का बैग, इसको भी उठाते हैं और इधर से निकलते हैं। इधर देखिए मिर्ची रखी है और बाकी इतना सब कुछ रखा है, इधर मेरे को नहीं पता क्या है। सो गाइस, इधर से फिर से उठाते हैं और नीचे तक ले जाते हैं और उधर मिलते हैं आपके साथ। भाई जो बंदा बोलता है ना हिमाचल में मजे होते हैं, पहाड़ों में मजे होते बढ़िया घूमना फिरना, तो आज ये मेरा काम करने तब लगेगा पता, मजे किसे कहते हैं और सज्जी किसे कहते हैं। सो गाइस, सभी चूजों को छोड़ दिया है भाई, बहुत से चूजे मर गए, और इनको इधर डालते हैं पानी, पानी देने के बाद रखते इधर, बाकी इनकी मर्जी ये पिए या ना पिए ये अपने हिसाब से। और मैं चलता हूँ अब घास देने, इधर देखिए। तो गाइस, सभी को घास दे दिया और ये बंदे अपने मिशन पे लग चुके हैं। मैं उठाता हूँ बैग और निकलता हूँ, ये वाला जैकेट मैं घर रखूँगा, बैग में मैंने अपने लिए दूसरा जैकेट डाला क्योंकि इसमें मैल बहुत हो चुका अब। सो गाइस, उधर से बोले तो जहाँ पे गाय वगैरह बांधते उधर से तो निकल चुके, इधर मैं पहुंचने वाला हूँ नाले, तो इधर से निकलते सीधा दुकान, अब मिलते आपको दुकान जाके। सो गाइस, नाले पहुंचने के बाद बैग मैंने उधर रख दिया और मैं जा रहा हूँ इधर से, मेरे को पानी पीने के लिए है, उधर जाके मैं बताता हूँ आपको। जिधर जो पानी आता रहा वो मतलब जमीन के नीचे से निकलता पता नहीं रेंडमली निकलता है, और भाई गर्मी के मौसम में ठंडा और ठंडे के मौसम में बिल्कुल गर्म। और इधर मैं पहुंच चुका पीछे और बताता हूँ आपको, देख सकते हो भाई कितना ये है मतलब घास हुआ है, और इधर पानी आ रहा है, इधर देखो लोगों ने बॉटल गिर रखी है ताकि वो भी इधर से पानी ले जाए, बाकी पानी तो बहुत ठंडा है। मैं जिंदगी पानी पी लिया है और अब इधर से निकलते सीधा दुकान को। तो गाइस, दुकान तो मैं कब का पहुंच चुका था, टाइम बज चुके हैं एक, और मेरे को आया चिकन बनाने का ऑर्डर। मैंने चिकन वगैरह सारा कुछ साफ करके अब तड़का लगाने जा ही रहा था, उधर देखा प्याज ही नहीं बचा, अब प्याज मंगवाया है, उसके बाद चिकन में तड़का लगाएंगे, जिस बंदे ने मंगाया उस बंदे को देंगे, तो चलिए देखो आप। तो चिकन और चावल रख दिए है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये बन रहा है चिकन जिंदगी का तड़का, और इधर रखे हैं चावल 1 kg, ऑर्डर आया है तो करना तो पड़ेगा, अभी हो रहा है और तड़का इस भाई ने लगा के दिया मेरे को। सो अब पूरा बनाने के बाद मिलते हैं, मेरे को प्याज दिया भाभी ने जो कि एक अच्छा काम कर दिया मेरे लिए, वो भी फ्री में, और मिर्च तो हमने चुरा के लाई, अब आपको क्या बताएं। ठीक है, मिलते बाद में। 2000 years later. So guys, अब बार अंधेरा तो हो चुका है, अब निकलते हैं घर। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को कर दियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक शेयर तो बनता है यार तुम्हारे खास दोस्त के लिए, तो शेयर भी कर दियो लाइक भी कर दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।